दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक विरासत होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैसे मुझे लाभ भी मिला, लेकिन मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य रहेगा हमेशा। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, तो इसलिए हमें भी उतनी और मेहनत करनी होगी। मेरा राजनीतिक अगर मॉडल कोई है तो जवाहरलाल नेहरू। अवैध कॉलोनाइजर एक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मसला है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, जिस तरह से शहर बढ़ रहे हैं उसी के साथ अवैध कॉलोनाइजर बढ़ रहे हैं। पिछली सरकार ने उसका रास्ता निकाला कि कॉलोनियां वैध कर दी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की मजबूरी है, आपकी भी सरकार उस दिशा में जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, वो सवाल ये खड़ा होता है कि जो अवैध कॉलोनी काटने वाले हैं और जो अफसर उसको संरक्षित करने वाले हैं, उनका क्या हुआ, उन पर क्यों नहीं सरकारें कार्रवाई करती है? देखिए, सबसे पहले जो ऐसी अवैध बसाहटें हैं जिनमें अत्यंत गरीब वर्ग रह रहा है, उनको काफ़ी साल हो चुके हैं, वो उसमें जुर्माना भी भर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको तो कई हद तक संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, जो कोई बड़े उद्योगपति हो, कोई बड़े कॉलोनाइज़र हो, जो नियमों का शोषण कर रहे हैं और जो किसी की मिलीभगत से बड़ी कॉलोनीज़ काट रहे हैं बिना परमिशन के, अवैध रूप से, उन पर तो कार्रवाई हम करवाएंगे। तो इस पे दोनों पार्ट्स हैं, ये बात जरूरी है और ये बात सब जगह है, हर नगरी निकाय में है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कब्जा कर लेते हैं। लेकिन वो कब्जा अगर शहर के भविष्य और की प्लानिंग में कहीं दिक्कत दे रहा है तो उसमें तो हमें देखना पड़ेगा। हमारे घोषणा पत्र में भी बात शामिल है कि जहाँ तक हो सके जो गरीब वर्ग हैं, जिनके पास जो बहुत समय से एक जगह पर रह रहे हैं, तो उनको तो हम वहीं पर मौके पर 300 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट तक हम पट्टे देंगे। लेकिन सवाल अगर हम बात करें इस प्रदेश में आवासी पट्टे, लेकिन इस प्रदेश में सबसे बड़ा संकट है जो एक रियल एस्टेट माफिया जो खड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं और उस समय सारे कानून को ताक पर रख देते हैं। अफसर नगर निगमों पे जो जिम्मेदारी है, जो मॉनिटरिंग अफसर हैं, वो उनको दरकिनार कर देते हैं। उसके बाद जब वो बिक जाती है, बायर खरीद लेता है, उसमें एक जो हितग्राही या जो खरीदार है वो ग्राहक पहुंच जाता है, उसके बाद कहा जाता है ये बिल्डिंग अवैध है, इसमें इतना हिस्सा अवैध बना हुआ है, बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो खरीददार है वो बेवकूफ बन चुका होता है। तो इसके लिए क्या, ये जो एक कॉकस है बहुत बड़ा, इसको तोड़ने के लिए क्या करेगी सरकार? इस कॉकस को तोड़ने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जो वर्तमान में रेरा जो एक्ट है उसमें संशोधन हुआ है, क्या वो सही है फ्यूचर के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का भी दायित्व है कि हम ऐसा वातावरण प्रदेश में बनाएं जिससे इन्वेस्टमेंट्स संभव भी हों। लेकिन अगर कोई ऐसे केसेस आएंगे जहां पर बिल्डर ने अवैध रूप से निर्माण किया है, अगर ऐसे कोई उदाहरण सामने आए जहां पर बिल्डर ने मिलीभगत के साथ जो नियम के अनुसार जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो नहीं किया है, तो उन पर भी हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन जो एक बायर है एक फ्लैट का, जिन्होंने एक कर्ज लेकर उस फ्लैट को खरीदा है, उन पर तो हम कार्रवाई ऐसी नहीं कराएंगे। लेकिन जो ओवरऑल जो कॉलोनाइजर्स हैं, अगर हमें ऐसे कहीं कुछ बात सामने आई तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करने का विचार कर सकते हैं। आपने कहा रेरा में संशोधन हुए हैं, उनसे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जो चीट हुआ, जो बायर है जिसके साथ कॉलोनाइजर चीट कर रहा है कि आपको जो कमिटमेंट कर रहा है वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोग जब रेरा जाते हैं तो रेरा में ये शिकायतें बहुत ही लंबी पेंडेंसी, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है कि इस टाइमलाइन के भीतर आपको ये खत्म करनी है। कहीं ना कहीं उसमें एक जो कॉलोनाइजर या बिल्डर का जो प्रभाव होता है वो भी एक काम करता है। तो क्या ऐसा कोई सीधा मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं हो सकता है कि एक सिंगल हेल्पलाइन है, अगर बायर अपनी शिकायत करता है उसकी एक टाइमलाइन बने कि इसमें आप इस फ्रेम में आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा? जरूर, और हमें तो इस मामले में जो भी बायर है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसके लिए जो भी संशोधन कानून में हम कर सकते हैं उस पर भी विचार करेंगे। दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक विरासत होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैसे मुझे लाभ भी मिला, लेकिन मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य रहेगा हमेशा। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, तो इसलिए हमें भी उतनी और मेहनत करनी होगी। मेरा राजनीतिक अगर मॉडल कोई है तो जवाहरलाल नेहरू।